हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रानी रियल ब्लॉग। तो और आप सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआ से मैं भी बेहतर हूँ। और जैसे कि अभी प्रॉपर वीडियो नहीं आ रहा है, अब मैंने आपको पहले भी कह चुकी थी, अभी कुछ प्रॉब्लम है मेरे मोबाइल पर तो मैं प्रॉपर वीडियो नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए आज सोचे आप सबसे थोड़ा बात ही कर लूँ, आप सबको थोड़ा पीछे का मतलब 2019 का कुछ आप सबसे शेयर करूँ। तो आप सब देखेंगे कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट कीजिएगा। तो अच्छा है, हम तो सबको याद करते रहते हैं, अपना हो गैर हो। और मेरा मतलब मन भी ऐसा है ना कि किसी दोस्ती कर, मतलब अचानक से अगर कोई रूठ जाता तो मुझे थोड़ा टेंशन होता है। इसी तरह से मेरा कुछ ये यूट्यूब में भी कुछ फ्रेंड बने हैं, तो कोई दिल से है जो कि मेरा वीडियो को देखते हैं और लाइक और कमेंट करते हैं और हम भी उन्हें रिप्लाई करते हैं। जैसे कि कुछ दोस्त अभी बन गई हैं, कुछ है और भी है, तो एकाध तो मतलब मौका का मतलब दोस्ती करके आदमी फ़ायदा उठाता है और मुझे ऐसा पसंद नहीं। आप दोस्ती करो तो प्लीज़ दिल से करो, नहीं करना तो कोई बात नहीं है। तो उन लोगों का था कि हमसे दो चार कुछ क्वेश्चन पूछ के उसके बाद से उन लोग बात नहीं करती है और अब हम भी नहीं। हम मुझे जब आप सबको टाइम नहीं है तो माशाल्लाह से मैं तो आपसे थोड़ा सा ऊँचे ही चढ़ चुकी हूँ, तो मुझे क्यों टाइम रहेगा, तो मैं भी नहीं। और जो मुझे प्यारा प्यारा कमेंट मतलब जो यूट्यूब में मैंने फ्रेंड बना लिया है, मैं उनका चैनल देखती हूँ, वो मेरा चैनल देखती हैं, मैं उनको कमेंट करती हूँ, वो मुझे लाइक और कमेंट दोनों भेजती हैं, तो उन सबको थैंक यू सो मच। और ये भी है, आप मेरा वॉच करो तो हम, अब ऐसा होता है ना कि बीच में उन्होंने मतलब वीडियो में बताया था कि आप बिना देखे लाइक नाइस नाइस बोल देते हो, पूरा वीडियो देख के कमेंट किया करो। तो अरे हम लोग पूरा कमेंट देख के करते हैं, पर आप लोग क्या है ना मतलब थंबनेल देख करके ना ओ वाओ नाइस तो ये करके भेज देते, तो ऐसा कुछ नहीं है। दिल से दोस्ती निभाइए तो यहाँ से भी डबल आपको मिलेगा। तो चलिए हम आपको, आप भी क्या सोचते होंगे कहाँ से क्या बात शुरू की और कहाँ बात हो गया, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको दिखाते हैं कि 2019। तो ये देखिए, ये 2019 का क्लिप है जो हम लोग पूरे फैमिली मतलब मेरे अब्बा, मेरी बड़ी बहन, मेरी एक और बहन और बहन का लड़का लड़की, हम लोग सब गए थे बेलूर मठ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा तीनों बच्चा छोटा छोटा, मेरे बाबू भी छोटा है, तो यहाँ पर जो है शिप में भी बैठे थे हम लोग। ये घर का क्लिप है जो मैं अपने आप को पोस्ट, तो मैं ऐसी ही लग रही थी, मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ। ये मेरा बहन का बड़ा लड़का है और ये मेरा बेटा है। तो यहाँ देखिए निशा उस टाइम सही थी और यहाँ आप सब देख सकते हैं, इसमें मेरे अब्बा भी हैं, मेरी बड़ी बहन भी है, मेरे अब्बा का सारे नाती नतनी हैं और यहाँ मेरे बहन का लड़की है, हम लोग सब मिलके बात करें। वहाँ देखिए हम आगे की तरफ चल रहे हैं, मेरी ये बहन छोटी वाली जो आती रहती है, तो अभी मान लो कि हम लोग से थोड़ा सा बातचीत नहीं है, पर सब बच्चे को तो मैं याद करती हूँ, बच्चे मेरे भी बच्चे ही हैं वो, तो उस मतलब अभी 3 साल में इस कदर का चेंज हो गया है बेलूर मठ कि समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अभी हम जैसे कि वीडियो देखे ना तो मुझे अजीब लगा कि यहाँ घास नहीं है और सब जगह चले गए थे, कोरोना नाम का कोई चीज़ ही नहीं था इस टाइम, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये चीज़ देख के क्लिप, तो मैंने सोचा आप सबसे भी शेयर करें। देखिए अभी रिसेंटली हम यहाँ पर गए थे तो बहुत सारा घास हो चुका था और ये 2019 का क्लिप है जिसमें घास नहीं है, सारे में मतलब फ्लोर है, ज़मीन है। तो यहाँ हम लोग हर कोना मतलब उस टाइम हम लोग हर कोना घूरे थे और ये यहाँ पर आया है दौड़ के कि पापा वहाँ पर कैमरा लेना अलाउ नहीं है। वो उस टाइम भी लागू था कि कैमरा लेना अंदर में अलाउ नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सा वहाँ पर जो पुराना ज़माना का सब रखा हुआ है तो वहाँ वीडियो लेना मना है। और ये यहाँ तो जैसे शुरू में आपको शिप दिखाया तो उसी शिप में बैठ के हम लोग यहाँ दक्षिणेश्वर आए थे। दक्षिणेश्वर में भी बहुत मंदिर है, बहुत घूमने का जगह, मैं इंशाल्लाह एक बार जाऊँगी, फिर 2019 में गई थी और अभी 2022 में भी जाऊँगी इंशाल्लाह, तो आप सबसे वहाँ का भी आपको शेयर करूँगी, पूरे वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पर का आप संगीत सुने कि वीडियो को शावर का,
आपने संगीत सुना तो ये म्यूजिक हमें बहुत पसंद है बचपन से। और यहाँ देखिए सारे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो माशाल्लाह मेरे सारे बच्चे हैं और हम इन सब के लिए दुआ हमेशा करते रहते हैं। तो देखिए सब भाई बहन अपने आप में खुश है। निशा को उस टाइम कोई दुख कोई बीमारी नहीं था, अभी एक डेढ़ साल से निशा को लेकर परेशान है बस। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आज मैंने सारे फैमिली है और ये बहुत पुराना क्लिप हो चुका है और ये मेमोरी ज़्यादा यूज़ मतलब नहीं होता है, मतलब कहीं से ना डाउनलोड होता है ना डिलीट होता है। तो ये मेमोरी हमने बहुत संभाल के रखा है। चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।